बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामिन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानेब। ये हमें मौसूल हुआ है डीजी खान वेट वाले हैं। अच्छा, ये क्या फरमाते हैं, आज क्या सवाल है इनका? जज़ाकअल्लाह खैर, डब से बोला आपको लंबी जाती है साथ में, आपको खुश आने बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ऐसे करूँगा। ये है क्या सवाल, क्या है? डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है, मेरा नाम अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर अब्बास है और मैं डीजी खान से हूँ। डॉक्टर साहब मसला ये है कि मेरी बकरियां हैं 6 अदद, वो जो है ना प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट मंथ चल रहा है। जी, वो खड़ा जो है ना बड़ी देर से होती है, बड़ी वो कितना मुझे देर ऐसे से लगता है जैसे उनकी ना पिछली टांगे कमजोर है। कमजोर है। क्या ठीक, उनको कैरासिल के इंजेक्शन लगाएं? ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से। और जब आपको कोई लेक्चर चाहिए हो तो मुझे आराम से, मैं आपको लेक्चर दूंगा। आप स्टूडेंट हैं तो आपको कोई टॉपिक ये उन्होंने कहा होगा कि वजह क्या है, क्या है? इनको मुरुंडे वगैरह बना के दें, तेल के सर्दी है मुरुंडे ना, बना के सर्दी, दें, इनको सर्दी से भी हो जाए। सही खुराक दें जिसमें प्रोटीन होनी चाहिए, दूसरी चीजें होनी चाहिए। मेरे वो बनाए हुए वंडे देख लें, वो जो तो बैलेंस्ड फूड है। उन्होंने यही कहा कि हम जज़ाकअल्लाह खैर, ठीक डब है। से बोला आपको लंबी जाती है साथ में, आपको खुश आने बड़ी मेहरबानी, नमस्ते। शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, इस पे अमल करें, अल्लाह ताला फजल करेगा, ये उठ जाएंगी। आप जब कैरासिल के टीके लगाएंगे और इनको सर्दी है, सर्दी से बचाएं और मुरुंडे वगैरह खिलाएं, और चूंकि ये प्रेग्नेंट है और आखिरी अय्याम है इनके, तो बेहतर है कि इनको विटामिन ए डी थ्री ई, विटामिन ए डी थ्री ई के 2-2 cc के इंजेक्शन हर हफ्ते बाद लगा दिया करें, या हर 10 दिन बाद तो ज़रूर लगाएं। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा। दुआ करूँगा कि डीजी खान में आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहे और आप लोगों की रहनुमाई करते रहें। ठीक है, दुआओं में याद रखें, जब भी कोई मसला हो प्लीज़ पूछ लिया करें, वॉइस मैसेज के ज़रिए, कॉल नहीं करनी। फ़ीमा अल्लाह।